नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। 2 नवंबर से स्कूल में पढ़ाई होगी शुरू। 2021 में होने वाले मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 2 नवंबर से सभी माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई शुरू करवाने का आदेश दे दिया है। इस निर्देश के बाद सभी स्कूल में DTH कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्र दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर सके। गौर करने की बात यह है कि बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। वहीं सेंटअप परीक्षा 11 से 17 नवंबर तक आयोजित करवाए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक की तैयारी को लेकर 10वीं के छात्रों के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था शुरू करवाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी स्कूल दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे। स्कूलों को DTH कनेक्शन लगवाने का निर्देश दे दिया गया है। DTH कनेक्शन लगाने जाने के बाद मैट्रिक परीक्षार्थी के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 10वीं का सिलेबस फिर से पढ़ाया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पूर्व मध्य रेल कोरोना काल में यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार में चलाई जा रही 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन का समय बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में चलाई जा रही 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन को अब 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सहरसा पटना, सहरसा कटिहार, पटना भभुआ रोड पटना, राजेंद्र नगर जयनगर, राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन को 31 अक्टूबर 2020 तक चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब इन 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 नवंबर तक करवाया जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, जिसके तहत सभी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा, उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के शेड्यूल में हुआ फेरबदल। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा का संबोधन कर रहे हैं। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को किए गए जनसभा के बाद अगली जनसभा उनकी 3 नवंबर को 3 जनसभाओं का आयोजन करवाया जाना था। हालांकि अब सिर्फ 2 जनसभा का आयोजन होगा। वहीं 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 चुनावी जनसभाएं होंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख ने इस बात की जानकारी दे दी और बताया है कि पहले प्रधानमंत्री की सभा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में प्रस्तावित थी, जबकि 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में जनसभाएं तय की गई थी। लेकिन फेरबदल में पश्चिम चंपारण के बगहा के चुनावी जनसभा अब 1 नवंबर को होगी, जबकि 3 नवंबर को मात्र 2 जनसभा फारबिसगंज और सहरसा में आयोजित करवाई जाएगी। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह कई भी चुनावी जनसभा का आयोजन करवाया जाएगा। BPSC के 65वीं मेंस परीक्षा के समय में हुआ बदलाव। बिहार में BPSC की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की लंबी कतार देखने को मिलती है। वहीं बिहार में लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा को लेकर समय में परिवर्तन किया है। इस बार आयोग ने संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा 25 नवंबर से आरंभ होगी। 25 नवंबर को पहली बैठक में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। दूसरे भाग की परीक्षा दोपहर से शाम 5 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा पूरी होगी। इसके साथ ही 26 नवंबर को 11 बजे से 2 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। 28 नवंबर को एकल बैठक में ऑप्शनल विषय के जो उम्मीदवार हैं उनकी परीक्षा होगी। परीक्षा नियंत्रक की माने तो परीक्षा के समय से संशोधन को छोड़कर पूरी परीक्षा कार्यक्रम पहले की तरह ही होगी। जदयू के लिए दूसरा चरण सबसे अहम। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां दिखाई दे रही है। हालांकि जदयू के लिए दूसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 115 में से 43 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान का यह चरण जदयू के लिए NDA गठबंधन के तहत सबसे अधिक उम्मीदवार उतारने और अच्छी खासी संख्या में अपने पास की सिटिंग सीट बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दल के आला नेता भी इसे स्वीकारते हैं कि प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना बयान भी देते हुए कहा है कि पहले चरण में बिहार के मतदाताओं के रूप में हम उत्साहित हैं, दूसरा चरण हमारे लिए स्वाभाविक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपको बता दें, NDA गठबंधन के जदयू को 115 सीटें कुल मिलाकर मिली है। पहले चरण में जदयू के 35 प्रत्याशी मैदान में थे, तो वहीं दूसरे चरण में दल ने से अधिक 43 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बाकी 37 प्रत्याशी तीसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। त्योहार स्पेशल के रूप में 10 से गया पटना रेलखंड पर चलाई जाएंगी एक और ट्रेन। COVID-19 के माहौल के कारण बंद ट्रेन परिचालन को वापस धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा से अमृतसर के बीच चलने वाली जननायक एक्सप्रेस का परिचालन भी शुरू करवाया जा रहा है। यह गाड़ी अगले महीने नवंबर के 10 तारीख से त्योहार स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। दूसरी तरफ गया से पटना जाने वाली रेल यात्रियों के लिए और ट्रेन का परिचालन
संचालन करवाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही गया पटना, गया क्यूल और गया मुगलसराय रेलखंड पर 5 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन की रणनीति भी बनाई जा रही है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक जननायक एक्सप्रेस में कोरोना के तहत आरक्षित टिकट लेकर ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें, गया से पटना जाने वाली रेल यात्रियों के लिए और ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो गया पटना रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन स्पेशल बनकर चलाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में घोटाले की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश के राज्य में 60 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाला भी इसी दौरान हुआ। इन घोटालों का सच छिपाने के लिए फाइलों को भी नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिहार में कमाई पढ़ाई के लिए क्या किया, उनकी सरकार आई तो कमाई पढ़ाई सिंचाई के लिए सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 15 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग चौपट करने के साथ साथ दो पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद किया है। इसीलिए इस बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश और पलायन पर कभी कुछ नहीं बोलते। नल जल योजना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। संजय जायसवाल ने मुंगेर मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्ती दिखाने का दिया आश्वासन। मुंगेर में पुलिस और विसर्जन करने जा रहे लोगों के बीच हुई झड़प के बाद यह मामला राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। जहां बीते दिन डीएम और एसपी को चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान भी सामने आया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि मुंगेर की घटना प्रतिष्ठा का विषय है। उन्होंने कहा कि मुंगेर वाकया पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती दिखाई जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुंगेर की घटना काफी दुखद है, हम लोग इसकी अच्छी से जांच करवाएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी है काफी ज्यादा दुखी। प्लूरल्स पार्टी की तरफ से खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बता चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट जारी करके दी है, जिसके तहत पुष्पम प्रिया ने लिखा है कि बांकीपुर, बिस्फी और बिहार में मैंने आपके लिए बिहार चुना है, फिर भी सभी प्रत्याशियों के लिए मैं प्रचार नहीं कर पा रही हूं। इसका मुझे कितना ज्यादा दुख है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। सभी मुझे अपने गांव मोहल्ले ले जाना चाहते हैं, खोइछा देना चाहते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। काश मैं हर जगह जा पाती, अपने आप को प्रकट कर पाती, फिर भी भाग रही हूं लगातार सिर्फ आपके लिए, बिहार के लिए। ना पहुंच पाई तो माफ कीजिएगा, लेकिन कर्ज रहेगा और आपको जिता कर ही चुकाऊंगी। सोशल मीडिया पर फैल रहे वीडियो पर तेजस्वी ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर बीते दिन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो काफी तेजी से फैल रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव सेल्फी ले लेते समय एक युवक को घुमाकर हटाते देखे गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। हालांकि अब तेजस्वी ने खुद ही इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका था, ऐसे में अगर कोई भी हादसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती, इसीलिए मैंने युवक को खींचा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोशल मीडिया पर फैले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने अपने सेल्फी ले रहे एक युवक का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धकेल दिया था। इसी वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई पेश की है। नीतीश कुमार ने जीतने के बाद जनता के बीच हाजिर होने की कही बात। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टी एक के बाद एक जनसभाओं का संबोधन कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज 5 जनसभाओं का संबोधन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने आज के जनसभा की शुरुआत खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जमालपुर में आयोजित करवाए गए जनसभा से की थी, जहां उन्होंने जनता का संबोधन करते हुए कहा कि आपने जब हमें काम करने का मौका दिया तो हमने सेवा किया, लेकिन कुछ लोगों को सेवा का मकसद नहीं है, वो बस लंबी लंबी बातें करना जानते हैं। हम तो न्याय के साथ विकास करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सबका विकास हर क्षेत्र में विकास का ही मकसद है। समाज के हर तबके में हमने उत्थान का काम किया है, जो लोग किनारे पर थे उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। मिर्जापुर 2 के मेकर्स की बड़ी परेशानी। अमेजॉन प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन मिर्जापुर 2 रिलीज हो चुका है। वहीं इसके रिलीज होते ही इसने खूब वाहवाही भी बटोरी है। हालांकि मिर्जापुर 2 के मेकर्स की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के मेकर्स पर शहर की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही मांग की है कि वो वेब सीरीज पर सेंसरशिप लगाई जाए। अनुप्रिया के बाद अब हिंदी उपन्यास लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक ने सीरीज के एक सीन पर आपत्ति जताई है। साथ ही मिर्जापुर के लेखक के खिलाफ भी कानूनी सख्ती दिखाने की चेतावनी दी है। पाठक का कहना है कि सीरीज में उनके बुक धब्बा को गलत तरह से पेश किया गया है। सीरीज से तुरंत वो सीन को हटाया जाए, वरना सीरीज के
राइटर प्रोड्यूसर और अगर जो धब्बा पड़ रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज पंजाब और राजस्थान एक दूसरे के होगी आमने सामने। आईपीएल के 13वें संस्करण का आज 50वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। पंजाब की टीम 12 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। राजस्थान की टीम 12 में से 5 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच पहले एक मुकाबला हो चुका है जहां राजस्थान ने उस मैच में पंजाब को 4 विकेट से मात दी थी। हालांकि यह दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी क्योंकि आईपीएल खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में सभी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी पहली टीम है जो प्लेऑफ से बाहर हो गई है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 80 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 48,648 मरीजों की पुष्टि की गई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 80,88,851 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 563 लोगों की जान जा चुकी है जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,21,090 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिन से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 73,73,375 मरीज ठीक हो चुके हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत में केवल 5,94,386 सक्रिय मामले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाली नई सरकार को बिहार के कौन से क्षेत्र में उत्थान के लिए सबसे पहले कदम उठाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।